आम आदिवासी मर रहा है इस राज्य के अंदर, आम आदिवासी इस राज्य के अंदर मर रहा है। पर जो तस्वीर स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं, तस्वीर कितनी भयावह है। आप देखिए इस तस्वीर को, किस तरीके से आदिवासियों को खाट पर लेटाकर डंटा में सलाइन लगा के उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर कभी हेमंत सोरेन की आई है क्या? ऐसी तस्वीर कभी आपने चंपई सोरेन की देखी क्या? ऐसी तस्वीर कभी बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा की देखी क्या? तो फिर ये आम आदिवासियों की ऐसी तस्वीर क्यों? क्या इस राज्य के अंदर आदिवासियों के नाम पर सिर्फ चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या बंधु तिर्की की ही चर्चा होनी चाहिए? क्या इस राज्य के अंदर आदिवासियों के मसीहा के तौर पर जिनको चुना जाता है वो आम आदिवासियों पर ध्यान देते हैं? क्या चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी या बंधु तिर्की को इस बात का ख्याल है कि इस राज्य के आदिवासी कैसे मर रहे हैं? पता नहीं। हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और बंधु तिर्की, ये तमाम आदिवासी नेता हैं जो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनमें से सबसे बड़ा आदिवासी मसीहा कौन है। लेकिन शायद इनकी लड़ाई में वो बात छुप जाती है कि इस राज्य के अंदर आज भी आदिवासी तिल 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 कर मर रहे हैं। एक रिपोर्ट हम आपको आज दिखाएंगे, शायद आपका रूह रो जाएगा उस तस्वीर देखकर, आपके अंदर का इंसानियत शायद जाग जाएगा, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कई दिनों से झारखंड में दो तीन नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, उसके बाद बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा। ये तीन चार नामों के इर्द गिर्द झारखंड की राजनीति चल रही है। इनमें से जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को बताने में, इस बात को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि यही चारों जो हैं, यही चारों आदिवासी के सबसे बड़े मसीहा। संथाल परगना आदिवासियों का एक बड़ा स्थान है जहां आदिवासी बड़ी आबादी में रहते हैं और इस राज्य की राजनीति संथाल परगना पर टिकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संथाल परगना के जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से साफ पानी नहीं पीने की वजह से डायरिया से मर जा रहे हैं। और ये सिर्फ आज कल या परसों नहीं हुआ, ये होता ही जा रहा है। एक तरफ आदिवासी अगुआ बिस्लेरी का पानी पीकर अपना स्वास्थ्य बेहतर रख रहे हैं, दूसरी तरफ आदिवासी जनता नदी नाले और झरने का पानी पी रही है इस बरसात के मौसम में, जिसके कारण उनको डायरिया हो जा रहा है और वो मर जा रहे हैं। जून का महीना निकालिए, पाकुड़ का रिपोर्ट। जुलाई का महीना निकालिए, पाकुड़ का रिपोर्ट। अगस्त का महीना निकालिए, पाकुड़ का रिपोर्ट। सिर्फ पाकुड़ नहीं, उन तमाम इलाकों में जहां आदिवासी रहते हैं, देखिए कि डायरिया से कितनी मौतें हो रही हैं। लेकिन इस राज्य के अंदर इस पर चर्चा नहीं होती है। चंपई सोरेन किस तरफ जाएंगे, हेमंत सोरेन की क्या रणनीति है, अर्जुन मुंडा क्या सोच रहे हैं, बाबूलाल मरांडी क्या सोच रहे हैं, बंधु तिर्की क्या कर रहे हैं, पूरा मीडिया पूरा सिस्टम उन्हीं के इर्द गिर्द रहता है। लेकिन आम मुंडा, आम सोरेन, आम पहाड़ी, आम तिर्की का क्या हाल है, इसे कोई जानने की कोशिश नहीं करता। इस राज्य के अंदर आदिवासियों के नाम पर राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन आदिवासियों की मौत पर शायद सब मौन हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, या तो इन्हें शर्म नहीं आती है या इनके लिए आदिवासी महत्वपूर्ण ही नहीं है। या जो ये आदिवासी मसीहा खुद को बोलते हैं वो आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। क्योंकि अर्जुन मुंडा का क्या है, लग्जरियस लाइफ वो जीते हैं, हेमंत सोरेन भी वही जीते हैं, चंपई सोरेन भी बिस्लेरी का पानी पीते हैं और बंधु तिर्की, बाबूलाल मरांडी भी बिस्लेरी का पानी पीते हैं। लेकिन आम आदिवासी जो इनको वोट करता है वो जंगल, वो पहाड़, वो झरने का पानी पी रहा है, जिसके कारण मर जा रहा है। और मर रहा है, इससे ज़्यादा भयावह यह है कि उसके मरने की चर्चा भी नहीं है। चंपई सोरेन रांची से कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली गए, इसका पूरा चर्चा है। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं, दिल्ली चले गए, इसकी चर्चा है। अर्जुन मुंडा नाराज हैं, कहाँ चले जाएंगे, इसकी चर्चा है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा, इसकी चर्चा है। लेकिन इसकी चर्चा है नहीं कि पाकुड़ जिले के अंदर कितने लोग डायरिया से मर जा रहे हैं। इस पर बोलने वाला कोई आदिवासी अगुआ नहीं। आज का अखबार निकालिए, एक तरफ चंपई सोरेन की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ
हेमंत सोरेन की तस्वीरें। पहले पन्ने में हेमंत सोरेन अपने विकास योजनाओं को गिना रहे हैं और दूसरे पन्ने में चंपई सोरेन यह बता रहे हैं या भाजपा यह बता रही है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन। पर जो तस्वीर स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं, तस्वीर कितनी भयावह है। आप देखिए इस तस्वीर को, किस तरीके से आदिवासियों को खाट पर लेटाकर डंटा में सलाइन लगा के उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर कभी हेमंत सोरेन की आई है क्या? ऐसी तस्वीर कभी आपने चंपई सोरेन की देखी क्या? ऐसी तस्वीर कभी बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा की देखी क्या? तो फिर ये आम आदिवासियों की ऐसी तस्वीर क्यों? जो तस्वीर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर किसी आदिवासी अगुवा का देखा आपने? आदिवासी अगुवा तो राजा हो जाते हैं और आम जनता डायरिया से मर रही। और ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार को पता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ निपापोती हो रही। जब प्रकोप बढ़ता है तब जाते हैं लोग, और सिर्फ उसका कारण है कि वो साफ पानी नहीं पी पा रहे। कहाँ है पेयजल आपूर्ति विभाग? कहाँ है मंत्री साहब? कहाँ है? हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होगा, बिस्लेरी की बोतलें लगा दी जाएंगी। भाजपा का कार्यक्रम होगा, बिस्लेरी की बोतलें लगा दी जाएंगी। लेकिन इनाम आदिवासियों को क्यों नहीं मिलता है पानी, इस पर कोई बातचीत नहीं हो। हम प्रखंड गिनाते हैं, डेट गिनाते हैं। पाकुड़ जिले के ही जून के महीने में पाकुड़ जिले के ही आमड़ापाड़ा एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के गांव में ऐसे ही स्थिति आई थी। उसके बाद जुलाई के महीने में महेशपुर प्रखंड के भीमपुर गांव में ऐसी ही स्थिति आई थी। उसके बाद अभी अगस्त के महीने में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कुड़िया, जो पहाड़ी गांव है, पहाड़ियाओं का गांव है, वहां भी ऐसी ही स्थिति। जून जुलाई अगस्त, इन जून जुलाई अगस्त में क्या चर्चा पर था? चंपई सोरेन नाराज है। इन जून जुलाई अगस्त में कौन सी चीजें प्रमुख थी? चंपई सोरेन कहां जा रहे हैं? इन जून जुलाई अगस्त में क्या था? हेमंत सोरेन ने क्या कहा? बस यही था। क्या इस राज्य के अंदर आदिवासियों के नाम पर सिर्फ चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या बंधु तिर्की की ही चर्चा होनी चाहिए? क्या इस राज्य के अंदर आदिवासियों के मसीहा के तौर पर जिनको चुना जाता है वो आम आदिवासियों पर ध्यान देते हैं? क्या चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी या बंधु तिर्की को इस बात का ख्याल है कि इस राज्य के आदिवासी कैसे मर रहे हैं? पता नहीं। इसका जवाब ना उनके पास होगा, ना हमारे पास होगा, ना राज्य सरकार के पास होगा, और ना ही इस सिस्टम के पास। हम नाम गिना देते हैं। आप तो चंपई सोरेन को जानते हैं, अर्जुन मुंडा को जानते हैं, हेमंत सोरेन को जानते हैं, बंधु तिर्की को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेता हैं, अगुवा हैं। हम दो तीन और नाम गिरा देते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? जानते हैं। हम 10 नाम गिनाते हैं अभी आपको। 10 नाम में आप 10 नाम को नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? इसलिए नहीं जानते होंगे, अगुवा नहीं, वो आम आदिवासी जनता है। सुनिए, जिनकी तबीयत खराब है, जो कब मर जाएंगे पता नहीं। रामी पहाड़ीन, मेसा पहाड़ीन, जोमी पहाड़ीन, सुरेश पहाड़िया, रूपी पहाड़ीन, जलिया पहाड़िया, धर्मा पहाड़िया, बेदी पहाड़ीन, जबरी पहाड़ीन, राजी पहाड़ीन, धर्मा पहाड़िया, बामना पहाड़िया, निजरी पहाड़ीन, सुरेश पहाड़िया, छोटा बामन पहाड़िया। जानते हैं आप इनको क्यों नहीं जानते हैं? वो इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो आम आदिवासी है जो पानी बिना तरस कर मर रहा है। साफ पानी नहीं पीने की वजह से डायरिया हो जाता है और वो डायरिया से मर रहा है। कब तक सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के नाम पर इस राज्य में राजनीति होगी? आदिवासियों के नाम पर राजनीति होती है, आदिवासियों के विकास के नाम पर राजनीति नहीं होती। ये सिर्फ आदिवासी अगुवा खुद का पॉकेट भरकर अपने जिंदगी को बेहतर जरूर कर लेते हैं। अर्जुन मुंडा की जिंदगी बेहतर हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदिवासी की भी जिंदगी बेहतर हो गई। हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, बंधु तिर्की की जिंदगी बेहतर हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदिवासियों की भी जिंदगी बेहतर हो गई। पर इस पर कभी कोई सोचता बोलता नहीं है। हम एकदम ना तो पक्ष के साथ हैं इस मसले पर, ना विपक्ष के साथ हैं, और ना किसी के साथ हैं। आम आदिवासी मर रहा है इस राज्य के अंदर, आम आदिवासी इस राज्य के अंदर मर रहा है। उसके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। इन नेताओं को छोड़ देना चाहिए अकेले में। नेताओं को शर्म नहीं आती है, नेताओं को अब शर्म नहीं आती है
क्योंकि इनका सब कुछ बन चुका है, हम आदिवासी मर रहा है। आज आज भी 24 साल का झारखंड हो गया, आदिवासी की स्थिति जस की तस है, जबकि और बुरा हाल हो चुका है, पर इस पर कोई मतलब नहीं है किसी को। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक बोलते तो रहना ही हो। बाकी आज कार्यक्रम है, चंपई सोरेन बीजेपी जा रहे हैं, हेमंत सोरेन के एक मंत्री रामदास सोरेन बन चुके हैं, यह प्रमुख मुद्दा है। बाकी ये तो आदिवासियों का मरना जाना लगा ही रहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट के माध्यम से, आप क्या सोचते। बाकी मिलते हैं, जोहार।